नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और मेरे साथ मेरी कलीग मारिया शकील। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी, आई एम मारिया शकील। और आज हम आपके पास एक ओपिनियन पोल लेकर आए हैं और ये ओपिनियन पोल है एनडीटीवी सीएसडीएस लोक नीति का ओपिनियन पोल। और ये इस एक घंटे में हम आपको बताने वाले हैं कई अहम सवालों के जवाब, खासकर राजस्थान के चुनावों को लेकर कि क्या होने वाला है, राजस्थान के दिल में क्या है, राजस्थान में सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, सीएम के तौर पर कौन आगे चल रहा है। तमाम सवालों के जवाब अगले एक घंटे में आपको मिलेंगे। किस जाति के किस व्यक्ति को कितने वोट मिल सकते हैं, दलित कहाँ जा रहे हैं, ओबीसी कहाँ जा रहे हैं, जाट क्या सोच रहे हैं, राजपूत क्या सोच रही हैं, महिलाएं क्या सोच रही हैं, ये सबसे अहम सवालों के जवाब। ये सबसे अहम है कि महिला किधर जा रही है, क्योंकि राजस्थान की महिलाएं अभी तक कोई कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी के तौर पर उभरी नहीं थी। इसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि राजस्थान में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। चर्चा शुरू करने से पहले आपको हम ये बता दें कि इस सर्वे को हम लोगों ने कब किया और ये सर्वे कितना अहम है। ये सर्वे हुआ है 24 से 30 अक्टूबर के बीच में और 30 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है। 3032 सैंपल साइज है। मैं ये सवाल डायरेक्टली संजय कुमार के साथ पूछूंगी। संजय कुमार प्रोफेसर सीएसडीएस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अविनाश कल्ला हैं वरिष्ठ पत्रकार, अमिताभ तिवारी हैं राजनीतिक रणनीतिकार, शहजाद पूनावाला हैं प्रवक्ता भाजपा के, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, रोहन गुप्ता प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले सवाल ये संजय कुमार जी, ये जो सैंपल साइज है आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? मारिया, सैंपल साइज की ज़्यादा बात नहीं होती है, सब उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सैंपल कितना रिप्रेजेंटेटिव है। लोगों को ये लगेगा 3000 का सैंपल तो बहुत छोटा है। हाँ, नंबर्स के हिसाब से तो छोटे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि क्या ये 3000 का सैंपल पूरे राजस्थान के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप इसके प्रोफाइल को देखें, रूरल अर्बन, आपने विभिन्न मतदाताओं की बात की, दलित आदिवासी मुस्लिम और तमाम अलग अलग वेरिएबल्स में देखें, तो आपको दिखेगा कि ये 3000 से जो कुछ ज़्यादा लोगों का हमने इंटरव्यू किया वो लगभग वैसा ही है जैसा प्रोफाइल राजस्थान के मतदाताओं का है। और दूसरी अहम बात, आजकल तमाम सर्वेस टेलीफोन पर होते हैं, आप फील्ड में जाते नहीं हैं, ये फेस टू फेस इंटरव्यू है। एक एक मतदाताओं से घर पे उनके बातचीत की गई है एक लंबे क्वेश्चनायर के द्वारा। मुझे लगता है ये दो चीज़ें हैं जो इस सर्वे को एक विश्वसनीय सर्वे बनाता है, एक रिलायबल सर्वे है। संजय जी आएंगे आपके पास और तमाम मेहमानों के पास भी चलेंगे, अब बगैर वक्त गवाए, क्योंकि हम काफ़ी देर से माहौल बना रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, सर्वे में क्या है। मैं आप एक एक करके सवाल सामने रखते हैं। पहला सवाल हमने जो जनता से पूछा कि गहलोत सरकार के काम से आप कितने संतुष्ट हैं, आंकड़े आपके सामने, 43% लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, 28% कुछ हद तक संतुष्ट हैं, कुछ हद तक असंतुष्ट कहने वाले 10% हैं और पूरी तरह असंतुष्ट कहने वाले 14% हैं। यानी ये गहलोत सरकार के कामकाज का एक आंकड़ा है। अगला सवाल जो हमने इसी में आपसे जनता से पूछा, केंद्र सरकार के काम से आप कितने संतुष्ट हैं, पूरी तरह कहने वाले 55% संतुष्ट हैं, कुछ हद तक कहने वाले 24% संतुष्ट हैं, कुछ हद तक असंतुष्ट कहने वाले 8% हैं और पूरी तरीके से असंतुष्ट कहने वाले 7% हैं। बड़े पैमाने पर लोग संतुष्ट दिखाई देते हैं केंद्र सरकार के कामकाज से। अगला सवाल, भ्रष्टाचार से लड़ने में गहलोत सरकार का काम कैसा है? अब हम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा कहने वाले 39% हैं, अच्छा कहने वाले 35% हैं, बुरा कहने वाले 35% हैं, बहुत बुरा कहने वाले 5% हैं। अब भ्रष्टाचार से लड़ने में केंद्र सरकार का काम कैसा है, मुद्दा वही, लेकिन अब बात केंद्र सरकार की हो रही है। बहुत अच्छा कहने वाले 45% हैं, अच्छा कहने वाले 34% हैं, बुरा कहने वाले 9% हैं, बहुत बुरा कहने वाले 5% हैं। अगला सवाल भ्रष्टाचार के बाद हम ले गए महंगाई के मुद्दे पर, 5 साल में महंगाई बढ़ी या घटी, क्या कहना है जनता का? बढ़ी कहने वाले 72% हैं, वैसी ही है कहने वाले 8% हैं और घटी कहने वाले 13% हैं। या ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये महंगाई बढ़ी है। और सुमित, और सवाल ये उठा कि 5 साल में बेरोजगारी बढ़ी या घटी, बढ़ी कहने वाले 40% हैं, उतनी ही है जैसी पहले थी 19%, घटी 24%। राजस्थान के सरकारी स्कूलों की स्थिति कैसी है, सुधरी
लोगों ने बोला 60%, बिगड़ी कहा 21%, और आप सोच रहे होंगे कि बाकी क्या नंबर कहाँ गया। वो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी जवाब दिया स्थिति वैसी की वैसी ही है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है, सुधरी 58%, बिगड़ी 24%, और बाकी के लोगों ने जवाब दिया स्थिति वैसी ही है। राजस्थान में बिजली की स्थिति 55% लोगों ने कहा सुधरी, बिगड़ी 29%। राजस्थान में पेयजल की स्थिति 50% लोगों का कहना है सुधरी है, 32% कहते हैं बिगड़ी। राजस्थान में महिला सुरक्षा की स्थिति, ये बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है इस चुनाव में, सुधरी 37% और बिगड़ी 30% महिलाओं ने कहा। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति है 34% लोगों ने कहा सुधरी है, बिगड़ी है 32%, और बाकी लोगों का कहना था स्थिति वैसी की वैसी ही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आंकड़े बहुत ही ऐसे लग रहा है कि नेक टू नेक लड़ाई की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक क्विक रिएक्शन पहले संजय जी आप ही का लेता हूं, फिर मेहमानों के पास चलते हैं। संजय जी, हमने आपकी टीम में जो सर्वे किया उससे साफ हो रहा है कि आप केंद्र की बात करें तो अभी भी लोकप्रियता बनी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार की, राज्य की बात करें तो ऐसा लगता है कि गहलोत सरकार की भी लोकप्रियता बनी हुई है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर तुलना होगी, क्योंकि ये तो सेमीफाइनल है, हम फाइनल की ओर जा रहे हैं, अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, बोर्ड की हम जा रहे हैं 24 की ओर, तो कहां पर हम इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, किसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है? देखिए, ये कह पाना तो इन आंकड़ों से ये मुश्किल है कि किसकी स्थिति मजबूत है, लेकिन बहुत साफ है अगर आप राज्य सरकार के कामकाज की बात करें तो लोग संतुष्ट हैं, बिजली, पानी, सड़क, इन सब चीजों से संतुष्ट हैं, गहलोत सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना होगा सुमित कि अगर आप केंद्र सरकार के काम की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के काम के कामकाज की बात करें, उससे सेटिस्फेक्शन इससे भी ज्यादा है जी। और जो बिजली, सड़क, पानी, इन सब चीजों की जब हम बात करते हैं, ये तमाम राज्यों में काफी पॉजिटिव आते हैं क्योंकि इन सब चीजों में सुधार हो रहा है। लेकिन जनता ऐसे देखती है कि भाई ये चीजें तो सरकार को करनी ही चाहिए, वो प्लस चाहते हैं कुछ, वो कहते हैं बिजली, पानी, सड़क ये तो हमारा हक है, ये सरकार को देना चाहिए, प्लस और एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अलावा और आप क्या दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात बोला कि केंद्र सरकार के काम से कितने संतुष्ट हैं, वो परसेंटेज है 55% पूरी तरह, और गहलोत सरकार से कितने संतुष्ट हैं वो नंबर है 43%। सो इस तरह से अगर हमको ये माना जाए, क्योंकि ये सीएम का चुनाव है, पीएम का चुनाव नहीं है संजय जी, तो फिर ये 55% और 43% पर है। हाँ बिल्कुल, ये सीएम का चुनाव है, ये पीएम का चुनाव नहीं है, और कई राज्यों में हमने देखा है कि पीएम की जो इमेज है या उनका काम ट्रंप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे आगे जो बहुत सारे आंकड़े आएंगे, आप देखेंगे कि कंटेस्ट बड़ा क्लोज दिखाई पड़ता है, मुकाबला दोनों पार्टियों के बीच में है। कुछ सवालों पर गहलोत सरकार आगे दिखाई पड़ती है तो कुछ सवालों पर हमें लगता है कि केंद्र सरकार के का पक्ष लोग ले रहे हैं। कई ऐसे स्कीम्स हैं जिसका श्रेय कभी राज्य सरकार को दे रहे हैं जनता, और कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिसका श्रेय सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है संजय जी, और मैं अविनाश कल्ला जी के पास चलना चाहूंगा। अविनाश जी, यही सवाल जो मारिया ने संजय जी से पूछा, एज एनालिस्ट होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से लड़ने में गहलोत सरकार का काम कैसा लगा? 39% कह रहे हैं अच्छा लगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए पूछा जाए तो 45% लोग बोले अच्छा लगा। इसको कैसे देखते हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी, क्योंकि बीजेपी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की एज है क्या, मोदी को लड़ा के फायदा हो रहा है सामने? देखिए सुमित जी, इसका जवाब तो 3 तारीख को ही मिलेगा कि क्या मोदी को लड़ा के फायदा हो रहा है, बिकॉज राजस्थान में पहली बार दोनों पार्टियां अपने चरित्र के विपरीत चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक स्थानीय चेहरे के साथ आगे बढ़ती है, पहली बार वो स्थानीय चेहरा नहीं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे लड़ रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती कि हम एक सामूहिक नेतृत्व का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हालांकि उन्होंने अनाउंस नहीं किया, पर जिस तरह से मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी सरकार का प्रचार किया है, वो ही चेहरा है। तो ये गहलोत वर्सेस मोदी इलेक्शन है, राजस्थान के लिए एक नए तरह का चुनाव या नया बैटल है, तो इसके परिणाम बाद में आएंगे। पर हाँ, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसपे जहां अशोक गहलोत कहते हैं कि हमने हर एक केस पे एक्शन लिया है, जल्दी एक्शन आया है, वहीं आप देखिए चुनावों के सीजन में नॉमिनेशन या रैली से ज्यादा खबरें बना रहा है ईडी का राजस्थान में आना। तो ईडी का जो पिक्चर में एंट्री, हाँ
इस पिक्चर में ईडी की भी एंट्री हो गई, सही बोला अविनाश आपने, तो रोहन गुप्ता आप ही जवाब दीजिए। सीजन में राजस्थान में ईडी दिख रहा है सर। रोहन के पास। हाँ जी, ईडी इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाजपा की सत्ता की सीढ़ी में अड़चन पैदा हो गई है। देखिए अभी सुमित जी और सत्ता की सीढ़ी तो गहलोत की है, अरे आपकी सरकार है, आपकी भूल गए क्या? भाजपा की सत्ता की सीढ़ी में जब अड़चन आती है सुमित भी, तब ईडी आ जाती है। पहले तो आप दोनों को देखकर खुशी हो रही है और मारिया जी इस हिसाब से अच्छी तरह से हिंदी में बात कर रही है, बहुत खुशी हो रही है सुनकर। तो आप दोनों को पहले तो मेरी शुभकामनाएं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि चार राज्यों के चुनाव लास्ट दिसंबर से सुमित भाई अभी तक हमने देखे, गुजरात में हुआ, हिमाचल में हुआ, एमसीडी का हुआ और अभी कर्नाटक का चुनाव हुआ। चारों चार जगह पे चुनाव के पहले डबल इंजन था भाजपा का, मोदी जी भी थे और स्थानीय सरकार भी थी। चार में से तीन जगह भाजपा की सरकार चली गई और दूसरी पार्टी एक जगह आम आदमी पार्टी, दो जगह पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो भाजपा की रणनीति है कि नहीं सिर्फ एक ही नेता के नाम पे वोट मांगेंगे, कर्नाटक में भी वही चेहरा थे, हिमाचल में भी वही चेहरा थे, एमसीडी में भी वही चेहरा थे, जनता ये स्वीकार नहीं करेगी। जनता जब स्टेट के चुनाव होते हैं, हमारे संविधान में चुनाव अलग अलग इसीलिए है क्योंकि हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, हर चुनाव के नेता अलग होते हैं, हर चुनाव के मायने अलग होते हैं। ये भाजपा का जो दिमाग में है कि वन नेशन वन इलेक्शन वो थोपने की जो बात करें, इसी का प्रतिकार हमको ये परिणाम में दिख रहा है। अगर आपने हिमाचल के या कर्नाटक के चुनाव देखे होंगे, सिर्फ मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े वो लोग, और क्यों हार हुई? कोई स्थानीय नेता नहीं है। कब तक आप करेंगे ना? आप लेकिन रोहन, और मुद्दों की, लेकिन रोहन हिमाचल के चुनाव में तो आप भी कलेक्टिव लीडरशिप पे गए थे। बिल्कुल नहीं, हमारी जो लोकल लीडरशिप थी, सुक्खू जी हो या जो भी अग्निहोत्री जी, सब लोग हम उनके ही चेहरे पे लड़े और उन्हीं के नाम पे हमने वोट भी मांगे। तो लेकिन सबसे बड़ा चेहरा तो प्रियंका गांधी का था वहां पर, सारे पोस्टर्स में सबसे पहले प्रियंका गांधी थी। बिल्कुल नहीं, वो कैंपेन कर रहे थे। मैं आपको कर्नाटक की भी बात कर रहा हूँ, कर्नाटक में किसके नाम पे हमने चुनाव लड़ा? सिद्धारमैया जी, डीके शिवकुमार, हमारे स्थानीय नेता आगे थे और उन्होंने कर्नाटक में उनके कद्दावर नेता येदुरप्पा जी को पीछे छोड़ के मोदी जी को आगे किया, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। चलिए ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए शहजाद स्टूडियो में। शहजाद सुन रहे लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर, वो कह रहे कि जहां जहां उनका चेहरा रखते हैं बीजेपी हार रही है, रिसेंट के चुनाव के रिजल्ट यही दिखा रहे हैं। रोहन गुप्ता का यह तर्क है, जबकि सर्वे के रिजल्ट जो दिख रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नीतियों की लोकप्रियता राजस्थान के लोगों के बीच में बनी हुई है। देखिए रोहन गुप्ता जी की मजबूरी ये है कि राहुल गांधी तो अशोक गहलोत जी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए जाना भी नहीं चाहते, अभी तक तो गए भी नहीं है। उनका किस प्रकार से झगड़ा हो रहा है राजस्थान की सड़कों पर, लोग कहते हैं, क्योंकि मैं जयपुर से ही आ रहा हूँ और जयपुर में मैं लगातार रह रहा हूँ, वहाँ पर कहते हैं लूट झूठ और फूट की सरकार है। लूट का तो आपको पता है 17 पेपर लीक हो गया, जल जीवन घोटाला हो गया, उसमें किस प्रकार से वहाँ पर आज भी घोटालों के प्रमाण सड़कों पर मिलते हैं, कभी नोट की पर्चियाँ मिल जाती हैं, कभी चांदी मिल जाता है, सोने की ईंटें योजना भवन में मिल जाती है। तो लूट का तो वहाँ पर अप्रत्याशित, और इतना लूट है वहाँ पर, रिवर फ्रंट घोटाला जो हुआ है, शांतिलाल धारीवाल को अभी तक टिकट नहीं दे पा रहे हैं और उसको कोटा का कलमाड़ी भी कहते हैं। झूठ झूठ इस प्रकार का है, किसानों की कर्ज माफी की आपने, ये कह रहे हैं आप 19,400 किसानों की जमीन जो है नीलाम हो चुकी है और प्रियंका जी कहकर आए 21 लाख किसानों को कर्ज माफी दिया है, वहां पर 68 लाख किसान है, तो मतलब खुले खुले आप मान रहे हैं कि 40 लाख किसानों को तो कुछ नहीं मिला और बाकियों को दो दो तीन तीन रुपए मिले। झूठ इस प्रकार से बोलते हैं कि हाइएस्ट वैट, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ, सारी चीजें राजस्थान में, हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% का एक साल से चल रहा है वहीं पर, तो ये झूठ की सरकार है। और लूट के भी प्रमाण जो है कांग्रेस के रिश्ते पेपर लीक माफिया के साथ है, सुरेश ढाका की पैरवी, सलमान करते हैं, गोपाल केसावत कहां से। और फूट इस प्रकार से है कि वहां पर तीन कांग्रेस है, एक है पायलट वाली कांग्रेस, दूसरी है बिना पायलट की परिवारवादी कांग्रेस और तीसरी है गहलोत कांग्रेस। इतने दिनों तक तो वो लिस्ट डिक्लेयर भी नहीं कर पा रहे थे, अब जब डिक्लेयर किया है तो मुझे बताइए कि अभी तक महेश जोशी का नाम क्यों नहीं आया? आपकी सरकार इतना अप्रत्याशित काम कर रही है ना, अभी तक धारीवाल का नाम क्यों नहीं आया? अभी तक धर्मेंद्र राठौड़ का नाम क्यों नहीं आया? चलिए मान्यवर ये बता दीजिए कि जाहिदा खान के खिलाफ आपके प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर ममता भूपेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है टिकट मिलने पर, महेश शर्मा ने इस्तीफा दे दिया अर्चना शर्मा के खिलाफ, मुझे लगता है झूठ झूठ और फूट है। सुमित भाई और मारिया, मैंने सोचा था कि एंकर आप दो लोग हैं, चलो तीसरे एंकर की भी जवाब दे ही देते हैं क्योंकि एंकर बन जाते इमीडिएटली। देखिए सवाल यहाँ पे एंकरिंग हो गए, सवाल पूछे इतने ज्यादा, नहीं आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, सुन लीजिए, आपने बताया इतने सारे मुद्दे बताए फिर भी आपको ईडी की क्यों जरूरत पड़ रही है?
अगर आपके नेताओं में दम होता तो ईडी को क्यों आगे करना पड़ रहा है आपको? आपकी मजबूरी है, आपको मालूम है वहां पे आपका कोई कदावर नेता नहीं। ये एकमात्र सरकार है जिसने 87% अपने वादे पूरे किए हैं। ये एकमात्र सरकार है जो 500 रुपए में सिलेंडर दे रही है। ये एकमात्र सरकार है जो 25 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा दे रही है। आपकी सरकार में हिम्मत है क्या? आप तो उसको रेवड़ी कह रहे हैं जो जनता को जो हमने वादे पूरे किए। कितनी आपकी सरकार की हिम्मत है कि 5 साल के बाद में अपना रिपोर्ट मैं बीच में इंटरव्यू कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे आंकड़े हैं। सुमित जी केवल एक वाक्य मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि बार बार ये ईडी हमारे साथ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स। भाई साहब मुझे ये बताइए कि जवाहरीलाल मीणा तो आपके विधायक है ना, वो कहते हैं टीकाराम जूली सर। एक सेकंड सर, मैं जवाब ही दे रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। अब आप हैकलर बन चुके हैं क्या? ट्रोल से बाहर निकल के आई है ना, ट्रोल भूमिका से बाहर निकल के आई, प्रवक्ता बना दिए हैं आप। अभी ट्रोल नहीं है, प्रवक्ता बन गए भाई साहब। थोड़ा तो अपने आप में सुधार कीजिए। अब मैं एंकर बन गए तो नहीं, मैं एंकर नहीं बना हूँ, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। जूली टीकाराम जूली के खिलाफ किसने बोला? जवाहरीलाल मीणा। कौन है वो? आपके विधायक है, सुन लीजिए। भरत सिंह सोलंकी, भरत सिंह जवाब दे दो। मैं सुमित जी मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, मैं क्योंकि पहले ही मुझे देर से बैठा गया। मैं भरत सिंह इनके विधायक हैं, कहते हैं कि सुमित जी आपने एक बोला था। चलिए अमिताभ अपनी बात, नहीं वो लगातार इंटरप्ट कर रहे, लेट मी फिनिश माय स्टेटमेंट। भरत सिंह इन्हीं के विधायक है, वो कहते हैं कि किस प्रकार से खनन मंत्री, खनन माफिया है वहां पर प्रमोद जैन भाया। ये क्या बीजेपी के है, ये क्या ईडी है? और जहां तक ईडी का सवाल है तो भाई साहब ईडी की कार्रवाई को तो चुनौती आपने दी थी कि कर लीजिए। आपके बीएल सोनी वहां पे जो डीजी थे एसीबी के, वो कहते हैं कि बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा। वहां पर आपके इंद्राज गुजर जो विधायक है, सचिन पायलट के करीबी है, उन्होंने कहा पेपर लीक माफिया के लोग खुले घूम रहे हैं। सचिन पायलट ने तो अजमेर से लेकर जयपुर तक की पैदल यात्रा की थी, तो आज तो वो खुश होंगे, 70 लाख युवा खुश होंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं कि ईडी की जांच हो रही है? पेपर जांच हो रही है ना, कौन सी जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा। और क्या भ्रष्टाचार इस चुनाव में मुद्दा भी है? बिल्कुल, मैं मेरे ख्याल से अगले सवाल ले लेना चाहिए। नीरजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ अमिताभ भी बने हुए हैं। नीरजा जी आप डिबेट भी सुन रही हैं, आप आंकड़े भी देख रही हैं, मेरा एक क्विक कमेंट आपके साथ है और हम ये जानना चाहेंगे आपके हिसाब से ये जो चेहरे पे चुनाव है कि गहलोत का चेहरा और मोदी का चेहरा, स्कीम गहलोत की, स्कीम मोदी की, इसका जो इक्वेशन जो CSDS ने दिखाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके हिसाब से किसका पलड़ा भारी है? देखिए मैं मानती हूँ कि दोनों का पलड़ा भारी है, लेकिन अलग अलग इलेक्शंस में है। जो राजस्थान छत्तीसगढ़ जहाँ मैं घूमी हूँ, वहाँ जो लोग कह रहे थे, नौजवान तबका खास कह रहा था, किसान तबका खास कह रहा था कि गहलोत ने कांग्रेस को टक्कर की स्थिति में ला के रख दिया है। एक साल पहले जब हम गए थे तो इंटरनल सर्वे कांग्रेस के बता रहे थे कि 20 से 25 सीटें आएंगी 2023 में कांग्रेस की, इतना वॉशआउट था। अब भाजप वाले कंसीड करते हैं राजस्थान के प्राइवेटली इस 75 से 80 तक गहलोत ले जा सकते हैं, जो उन्होंने कई सोशल वेलफेयर स्कीम्स की हैं जो आपने गिनाई हैं और CSDS ने भी उसका वो किया है। तो टक्कर की स्थिति में है, पर भाजप अकॉर्डिंग टू मी आगे है। और यही लोग जो कह रहे हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उसमें वो भी हैं, वो कहते हैं हम इस बार उन्होंने अच्छा काम किया, हम कांग्रेस को देंगे, लेकिन बड़े चुनाव में नरेंद्र मोदी। ये छत्तीसगढ़ में नौजवान कहते हैं और ये राजस्थान में भी ये नौजवान कहते हैं जी। तो दोनों जो आप कह रहे हैं ना कि मोदी का चेहरा, मोदी जो लोग वोट देंगे भाजप को और कई कारणों से देंगे राजस्थान में, और मैं मानती हूँ भाजप आगे है, तो वो इसलिए देंगे कि मोदी वो सेंटर की स्कीम्स का जिक्र करते हैं, वो ये भी जिक्र करते हैं कि चेंज होना चाहिए। लेकिन हम लोगों का एक सवाल भी था, CSDS ने एक सवाल भी पूछा है, कौन बने CM, भाजपा का सीएम फेस का कौन पॉपुलर है, वो भी हम दिखाएंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, यही हमारा कहना है। तो इसके साथ अमिताभ तिवारी आपसे सवाल ये है कि ये जो भी फर्स्ट सेट ऑफ ग्राफिक्स हमने दिखाया, फर्स्ट सेट ऑफ डेटा जो आप देखे हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है जो शायद इलेक्शन को टर्न कर सकता है? मेरा आकलन थोड़ा सबसे अलग है। अगर आप अपने नंबर्स देखेंगे तो 74% लोग ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने जो करप्शन के ऊपर काम किया है वो बहुत अच्छा या अच्छा है। तो ये दिखाता है कि करप्शन कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में, अगर ये नंबर्स करेक्ट है तो, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जहां आप सेटिस्फैक्शन रेटिंग की बात कर रहे हैं कि कितने लोग
किस सरकार से खुश हैं। 43% गहलोत की सरकार से खुश हैं और 55% मोदी जी की सरकार से खुश हैं। अब 43% नंबर तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि 57% लोग सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन है आपका उसमें है हम कम संतुष्ट हैं। करेक्ट, कम संतुष्ट जो होता है वो उसका मतलब ही होता है कि वो इट कैरीज अ नेगेटिव कॉनोटेशन। तो 43 versus 57 है। और थर्ड जो लास्ट पॉइंट कहता हूं कि मुद्दे जो है वो साफ दिख रहे हैं आपके इस फर्स्ट ग्राफिक्स में ही। वुमेन सेफ्टी मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है और बेरोजगारी मुद्दा है। चलिए, वेरी ट्रू। इसकी इनफैक्ट अभी बहुत सारे ग्राफिक्स आने वाले हैं। और वो जो जैसे मारिया ने कहा कि सबसे बेहद दिलचस्प जो आंकड़ा होता है कि कौन किसका चेहरे पर भारी है, कौन ज़्यादा आगे चल रहा है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन आगे आगे चलकर अभी आप बने रहिए हमारे साथ। अगले सेट ऑफ ग्राफिक्स अब लेकर आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं और ये ग्राफिक्स है जातीय समीकरणों को लेकर, कौन किसके साथ है। हमने ये सवाल पूछा सीएसडीएस के लोगों ने, राजपूत 55% भाजपा के साथ दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ 33% राजपूत दिखाई देते हैं। अगर दलितों की बात की जाए तो बीजेपी के पास 46% दलित हैं, कांग्रेस के पास 44% दलित हैं। और सुमित, बस ये दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बाकी के नंबर्स हैं वो आप पूछेंगे कहां गए, वो भाजपा कांग्रेस के अलावा जो अदर पार्टीज हैं उस पे लोगों ने अपना वोट दिया, बिल्कुल मत दिया था। ग्राफिक्स को साफ सुथरा दिखाने के लिए कि दो बड़ी पार्टियां उन्हीं के बारे में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, खासकर इस जातीय समीकरणों को लेकर। जाट की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 34% है, यहां कांग्रेस के पास जाट जा रहा ज्यादा जा रहा है 42%। अगर अन्य ओबीसी की बात की जाए, क्योंकि जाट भी ओबीसी है पर जाट के अलावा जो ओबीसी होते हैं जैसे यादव हो गया, बिश्नोई हो गया, उनमें भाजपा आगे है, 45% भाजपा और 35% कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। आदिवासियों के बारे में अगर बात की जाती है तो आदिवासी 48% बीजेपी के पास हैं, 36% कांग्रेस के पास हैं। और आदिवासी जब मैं कहता हूं तो बड़ी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है मीणास की, वो राजस्थान में आदिवासियों में गिनी जाती है, वो भाजपा के साथ ज़्यादा तौर पर जा रही है। मुस्लिम्स जैसा कि एंटिसिपेट किया गया, जगह जगह भाजपा के खाते में 9% हैं, कांग्रेस के पास 86% मुसलमान के परसेंटेज जाते हुए दिखाई देते हैं। और अब हम देखेंगे महिलाएं किसके साथ हैं, और भाजपा के साथ 45% विमेन और कांग्रेस के साथ 39% पुरुष, बीजेपी के साथ 43%, कांग्रेस के साथ 41%। यूथ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भाजपा के साथ 45%, कांग्रेस के साथ 35%, 10% का करीब गैप है। और बाकी जो है उन लोगों ने अन्य पार्टियों के बारे में बात की है। किसका पलड़ा भारी है, ये भी सवाल आप पूछेंगे। तो गांव और शहर की तुलना में हमेशा बात की जाती है, भाजपा 44% गांव में है। सुमित, ये अहम है क्योंकि भाजपा के बारे में कहा जाता था कि भाजपा शहर की पार्टी है, ये लेकिन ये पुरानी बात थी, 2014 से पहले की भाजपा थी। ये जो नई भाजपा है, मोदी शाह की जो भाजपा है, वो उसका पकड़ गांव में भी उतना ही है जैसा शहर में। आप देख रहे हैं 43% भाजपा को मिल रहा है शहर में, और कांग्रेस का यहां पर बेहतर परफॉर्मेंस है 45%। इंटरेस्टिंग है ये, इनफैक्ट बहुत दिलचस्प आंकड़ा हमारे ने दिखाया, इसी से शुरुआत करना चाहता हूं। संजय जी, भाजपा तो शहरों की पार्टी थी, भाजपा ग्रामीण इलाके में पॉपुलर हो गई, कांग्रेस जो गांव की पार्टी मानी जाती थी तो शहरी इलाके में पॉपुलर हो गई। क्या राजस्थान की जो डेमोग्राफी है जिसको आप ग्रामीण और अर्बन में रखते हैं उसमें कुछ अंतर है देश के मुकाबले, ऐसा क्यों हुआ ये चेंजेस? नहीं, देश के मुकाबले भी अंतर नहीं। अगर आप देखेंगे कि 2014 और 2019 के चुनाव को और उसके बाद भी जितने विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी को अभी भी गांव में ज़्यादा वोट मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन है जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पैठ बनाई है ग्रामीण मतदाताओं के बीच में, और वो बीजेपी को एक स्टेबल सपोर्ट बेस दे रहा है। आप देखिए, बीजेपी के 37% वोट है नेशनली, अलग अलग राज्यों में विधान लोकसभा के चुनाव में तो 50% का आंकड़ा वो पार कर जाते हैं। और इसकी वजह सिर्फ शहरी मतदाताओं में पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर बीजेपी की पॉपुलैरिटी सिर्फ शहरी मतदाताओं के बीच में सीमित रहती
तो बीजेपी आज उतनी प्रभावी पार्टी नहीं होती, उसका इतना डोमिनेंस नहीं होता जितना आज हमें देखने को मिलता है। और यही देखने को मिल रहा है राजस्थान में कि कैसे राजस्थान में उन्होंने अपने ग्रामीण मतदाताओं के बीच में भी पैठ बनाई है। दूसरे राज्यों में भी आपको कमोबेश ऐसा ही देखने को मिलेगा, और इसी कारण मैं कह रहा हूँ बीजेपी आज इतनी मजबूत पार्टी देश की राजनीति में दिखाई पड़ती है। और आपका ये विश्लेषण सुनकर शहजाद पूना वाला के चेहरे पर मुस्कुराहट है। शहजाद, गाँव में बीजेपी पॉपुलर होती जा रही है, संजय जी दिखा रहा फिगर में दिखता भी है, पर मेरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, शहरों में क्यों पीछे छूट रहे हैं? नहीं देखिए, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि राजस्थान की जो डेमोग्राफी है वो ज़्यादातर 70-80% रूरल ही है, और बहुत कम एरिया या हार्डली 30 या 40 सीट होंगी जो अर्बन मानी जा सकती है, अर्बन एरिया से अफेक्टेड है। दूसरी बात, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की सरकार ने विज्ञापनों पर और टीवी के माध्यम से प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। डिज़ाइन से बहुत सारे बॉक्स में से आइडियाज़ डिज़ाइन करके बाहर निकल के ही आते हैं उनके, और 900,000 करोड़ रुपये उसी में खर्च किया है। उल्टा मोदी जी ने वहाँ पर 3.5 करोड़ खाते खोले हैं, वहां पर किसानों को लगभग 12,900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं किसान सम्मान निधि के माध्यम से, वहां पर 80 से ज्यादा टॉयलेट बने हैं, वहां पर फसल बीमा योजना के माध्यम से 4.5 करोड़ किसानों को वहां पर बीमा मिला है। तो मुझे लगता है कि एक ने तो काम किया है, दूसरे ने केवल वादे किए। मैं उनसे रोहन जी से पूछना चाहता हूं, आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो चिंता है, सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कोई प्रदेश बना है महिला सुरक्षा में तो वो राजस्थान है, नंबर वन है। भीलवाड़ा जो घटनाएं होती है, जो प्रतापगढ़ में निर्वस्त कर दी गई, जो घटना करौली की हुई 19 साल की दलित बच्ची के साथ, इसमें एक भी जगह प्रियंका वाड्रा जी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं नहीं गई। युवाओं का जो है, युवाओं को जो 17 पेपर में धोखा मिला है वो तो केवल 70 लाख युवाओं को डायरेक्टली अफेक्ट किया, परंतु उनके परिवारजन मिलाकर कम से कम 3 करोड़ लोग उससे डायरेक्टली प्रभावित हुए। इसीलिए युवाओं में जो आपको दिख रहा है 10% का फासला है, वो इसीलिए बना है। हालांकि उनके पास सचिन पायलट जैसा चेहरा है, परंतु वो सचिन पायलट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने की शहजाद। मैं चाहूंगा रोहन इनका बात का जवाब भी दीजिए, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन इंसिडेंट की बात की महिला सुरक्षा को लेकर शहजाद ने, वो सभी ग्रामीण इलाके थे, और ग्रामीण इलाकों में आप कम पॉपुलर है बीजेपी से, क्या यही वजह है? देखिए, मुझे सुन भी लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को कभी भी महिला सुरक्षा की बात करने का अधिकार नहीं है। जब से मणिपुर की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है, और एक भी उनका नेता प्रधानमंत्री जी से लेके एक भी नेता उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं, उनको शर्म आनी चाहिए महिला की बात करते हुए भी। उत्तर प्रदेश में हमने उनाव देखा, कथुआ देखा, एक भी नेता नहीं बोला, शर्म आनी चाहिए। इसमें तो भाजपा ही पाए जाते हैं, उनको क्या अधिकार? बात राजस्थान की हो रही है, प्रदेश होता है कोई भी प्रदेश, बात राजस्थान की हो रही है, खत्म कर लूं। उन्होंने राजस्थान की घटना की नहीं, मेरी बात को खत्म कर, मैं हमेशा ये कहता हूँ कभी भी महिला उत्पीड़न की कोई भी राज्य में घटना हो, कोई भी राज्य की सरकार है उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। एकमात्र सरकार इमीडिएट एक्शन लिया गया, कभी एक दिन भी किसी को छोड़ा नहीं गया, और इनकी सरकार एक्शन लेना तो भूल जाइए। जो 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 कल्प्रिट पाए जाते हैं वो भी भाजपा ही निकलते हैं, ये लोग एक्शन क्या लेंगे, इनको तो बोलने का अधिकार है। दूसरी बात सुरूप भाई, मैं आपको एक बड़ी चीज कहना चाहूंगा, जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर का जो तोहफा राजस्थान की जनता को कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसका महिलाओं पर जो असर होगा वो आने वाले चुनावों में आप देखेंगे। जो 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा का जो पूरा योजना सक्सेसफुल पूरे राज्य में हुई है, उसका असर आपको दिखेगा। जितनी भी योजना है, एकमात्र सरकार है सुमित भाई, 87% वादे जो लास्ट मैनिफेस्टो है उसको पूरा किया, बाकायदा उसका एक डॉक्यूमेंट। मैं बीच में बोल रहा हूँ, आखिरी सेट ऑफ ग्राफिक्स जो आएगा ना हमारे डिस्कशन में, वो ये स्कीम्स को लेकर है। सेंट्रल स्कीम, क्योंकि महिलाओं के विषय में बात की है, शांति धारीवाल ने कहा था मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होते रहेंगे। राजेंद्र गुड़ा ने जब महिलाओं के विषय में बोलने की कोशिश की तो उनको निकाल दिया गया मंत्री पद से, और दिव्या मदेरणा इनकी विधायक है, उन्होंने कहा महेश जोशी के बेटे पर जो बलात्कार के आरोप है उस पर केस नहीं होता, जवाहरलाल मीणा के बेटे पर केस नहीं हुआ, कोर्ट को करना पड़ा। देखिए रोहन जी, आपके बीच में बोलने की जो प्रवृत्ति है, आपके बोलने की बीच में प्रवृत्ति है, इससे पता चल रहा है एक तो ये है कि वो राजस्थान के मुद्दों से अविज्ञ है, इसलिए मणिपुर चले जाते हैं, राजस्थान की जनता की चिंता नहीं। देखिए सुमित जी, मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, बीच में बोलने जा रहे हैं मुझे, नहीं चलिए नहीं, मेरी बात पूरी होगी ना, मेरी बात पूरी होगी। वो लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, वो लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, एनडीटीवी का तो स्टाइल अपने बारे में बोलने का, एक-एक करके बात करते हैं। देखिए यही होता है कि जब सोशल मीडिया से लोग प्रवक्ता बन जाते हैं, वो सीखते नहीं है कि डिबेट कैसे होती है। एनीवेज, मैं उसको छोड़ देता हूं। मुझे बताइए कि आपके कल बड़े नेता खिलाड़ी लाल जो है निकल के आ गए, और वो बैरवा वो बोलते हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है।
उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये क्या बीजेपी ने करवाया, ये खुद आपके नेता है। दूसरी बात बताइए मुझे कि किस प्रकार से चाहे वो राजस्थान की घटनाएं हो जिस पे कि दिव्या मदेरणा ने बोला, राजेंद्र गुड़ा ने बोला, उस पर जिस प्रकार से शांतिलाल धारीवाल ने बोला, तो ये सारे नेता आपके हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि ज्यादातर बलात्कार के मामले फेक है, इस प्रकार के बयान कहाँ से आए हैं? अविनाश कल्ला, अगर हम महिला फैक्टर की बात करें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि महिला मतदाता 2.52 करोड़ हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5.26 करोड़, उसमें महिला मतदाता का प्रतिशत बढ़ा है 2013 के चुनाव में, 2018 के चुनाव में मेन के कंपैरिजन में। और आप अगर ये डेटा देखें जिसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर वो लाभार्थी हैं, दोनों तरफ से लाभार्थी हैं क्योंकि उनको सेंटर की स्कीम्स भी मिल रही है और स्टेट ने भी बहुत सारा प्रोमिसेस किया है, तो महिला क्या इस बार एक नया ट्रेंड दिखेगा राजस्थान में, एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह इमर्ज कर सकती हैं बस इस बेसिस पर कि वो महिला हैं? देखिए, डेटा यही दिखा रहा है कि बहुत क्लोज कंटेस्ट रहेगा और मुझे लगता है कि इस बार दोनों, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या वो राज्य की सरकार हो, उन्होंने फोकस किया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, क्योंकि जिसपे इतना ज्यादा फोकस नहीं जाता। राज्य सरकार ने तो स्कीमों की छड़ी लगा दी है, उनकी 7 गारंटी में से सबसे पहली गारंटी ये है कि हम घर की सबसे बुजुर्ग महिला को 10,000 रुपए की गारंटी एनुअली देंगे। तो दोनों लोग फोकस कर रहे हैं महिला वोटर पे, कौन उनको साथ पाता है ये बड़ा प्रश्न होगा। और ये एक कास्ट न्यूट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है, तो बिल्कुल हाँ। तो क्या वो बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु की तरह एक नया ट्रेंड दिखेगा? नीरजा, सवाल आपसे है, दोनों तरफ महिलाएं लाभार्थी हैं, लेकिन फैक्टर ये है कि जैसे बाकी स्टेट्स में विमेन एक पूरे हाउसहोल्ड का, पूरे अपनी फैमिली का मत डिसाइड करने लगी हैं, क्या वो बस इस बार राजस्थान के चुनाव में अपना मत डिसाइड करेंगी या पूरी फैमिली, पूरे परिवार का करेंगी? मुझे लगता है महिला 2-3 चीजों से प्रभावित हुई है। उनके लिए जो हाथ में आया है ना स्कीम्स की वजह से, जो लाभार्थी की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। ये जो हेल्थ स्कीम है, हॉस्पिटल की स्कीम है, उसमें बहुत लोगों ने जिक्र किया है। और ये भी है कि ये क्रिटिसिज्म होता है कि 25 लाख नहीं मिले हैं, तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं 25 लाख नहीं मिले तो 7-8-9 लाख तो मिले हैं मोस्ट केसेस में, और गरीब लोगों को, गरीब महिला को, गरीब परिवार के लोगों को मिले हैं। उसका असर महिला पे हुआ है और गैस सिलेंडर का असर भी महिला पे हुआ है। अब क्या महिला सिर्फ इन चीजों को रख के एक वोट बैंक की तरह करेंगी? मैं नहीं मानती। मुझे मुझे लगता है कि और भी फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि अगर बदलाव की चाह है इस बार तो वह बदलाव की चाह महिला में भी होगी। और बहुत लोगों ने यह भी कहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर ठीक ठाक कर लेती है भाजपा तो उसके चांस जीतने के बढ़ जाएंगे। तो लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया को देखे उन्होंने कुछ तो ठीक ठाक कर दिया है। निर्जय जी, उस पे आऊंगा अभी, हम लोग ब्रेक के जब उस पार लौटेंगे ना तो हम सीएम के चेहरों पर बात करेंगे। और दर्शकों से भी मेरी अपील है कि हमारे साथ बने रहें। लेकिन निर्जय जी, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। अभी जो हमने सेट ऑफ ग्राफिक्स दिखाया, इसमें 2-3 चीजें जो मुझे अंडरलाइन करनी है। बीजेपी के पास राजपूत ज़्यादा जा रहे हैं 55%, कांग्रेस के पास 33%। आदिवासी की बात करें तो 48% बीजेपी के पास, 36% कांग्रेस के पास। अगर हम महिला की, आपने बात की महिला में बीजेपी की लोकप्रियता ज़्यादा है, यूथ भी 45% बीजेपी के पास ज़्यादा जा रहा है। तो जातियों के बीच में और अगर आप जेंडर की बात करें उसके बीच में बीजेपी का एज है। तो आप जो शुरू में बात कर रही थी, क्या हवा उसी तरफ जा रही है? देखिए, मेरा मानना है कि टक्कर वाली स्थिति होगी, वॉशआउट की स्थिति नहीं होगी कांग्रेस के लिए, जो कि 6-8 महीने पहले की थी। इस बार टक्कर की स्थिति होगी, लेकिन बढ़त मुझे भी लगता है कि भाजपा की है राजस्थान में। ऑल राइट, सो इसी बात पे नीरजा जी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स अभी आपको और मिलेंगे। सीएम का चेहरा कौन सबसे अहम है और भाजपा में सबसे बड़ा चेहरा कौन है?
बीजेपी ने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया है, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही, लेकिन एक व्यक्ति अपने आप लोकप्रिय है वहां पर। लेकिन पता है, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में अशोक गहलोत भी दिखे, हाँ, वो भी नहीं है, कांग्रेस भी नहीं, ना छत्तीसगढ़ में, और मध्य प्रदेश में जहां सरकार नहीं है वहां पर कमलनाथ को डिक्लेयर करके बोलने वाला था, बैंकर बन जाते कांग्रेस को तो अपनी सरकार पर इतना भी भरोसा नहीं कि जहां मुख्यमंत्री है उनको डिक्लेयर कर दे, और शायद राहुल गांधी ने मना किया होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है सुमित, और यही सवाल मेरा रहेगा संजय कुमार जी से भी, कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर वसुंधरा राजे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल लीडर रही हैं, और भाजपा में एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ही उन्होंने पावरफुल अपना इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप रहा है, लेकिन फिर भी वुमेन एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही, ये तो आयरनी है स्टेट की। बिल्कुल, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना इसलिए। पब्लिक ओपिनियन राजस्थान का क्या है, जनता का मूड क्या है, ये आप देख पा रहे हैं हमारे इस सर्वे में जो अब आपके सामने CSDS और NDTV ने मिलकर किया है। अब बात करते हैं, जैसे कि हम लगातार टीज करते आ रहे हैं, आपको चढ़ाते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन रेस में आगे चल रहा है, वो ग्राफिक्स आपके सामने लेकर आते हैं। कौन बने CM, जब यही सवाल पूछा गया CSDS की टीम के द्वारा राजस्थान की जनता से, तो कौन कहाँ खड़ा है। अशोक गहलोत के खाते में 27% लोग आते हैं, वसुंधरा राजे के खाते में 14% लोग वोट करते हैं, सचिन पायलट के लिए 9%, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनके लिए 6%, कांग्रेस से कोई और हो इन दो के अलावा 8%, बीजेपी से कोई और हो तो 15% लोग वोट करते हैं, अन्य जो है वो 5% को वोट करते हैं, और बाकी लोगों ने सुमित जवाब नहीं दिया, रेस्ट डिड नॉट रिस्पॉन्ड, सो वो भी एक कैटेगरी है एंड में। क्या देखकर वोट करेंगे, ये दूसरा सवाल था। अशोक गहलोत 32% लोगों ने कहा, नरेंद्र मोदी 37% और दोनों 20% लोगों ने कहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या कांग्रेस को फायदा होगा, 28% सेड हां, नहीं कहा 36% लोगों ने। तो अब सवाल यह है कि अगर भारत जोड़ो का नहीं फायदा होगा तो मुद्दा जो है वो सीएम फेस का है। बिल्कुल, और अशोक गहलोत का 27% है और वसुंधरा राजे 14% पर, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है सुमित, बीजेपी से कोई और 15%। मैं एक कमेंट संजय जी का ले लूं आपकी तरफ से। संजय जी, हम इन जनरल जो इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होता है उसकी पॉपुलैरिटी को जब आंकते हैं तो 27% वोट आना अशोक गहलोत के लिए, ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है, एज ए सर्वेयर, एज ए एनालिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मॉडरेट, बहुत, मतलब आप उसको क्या कहें, ना तो बहुत अच्छा है ना कोई बुरी खबर है। अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन होता है तो तकरीबन 40-42% लोग कहते हैं इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर के बारे में कि उसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस ने उनके नाम की घोषणा नहीं की है, और आप देखें सचिन पायलट भी 9-10% वोट ले जा रहे हैं, और कोई अन्य कांग्रेस का नेता हो उनको भी कम से कम 10-11% वोट मिल रहे हैं, तो वो बहुत बटा हुआ दिखाई पड़ता है। संतोषजनक है, बहुत खुश होने की बात नहीं है, लेकिन निराशा की बात तो बिल्कुल। अगर मैं इसको ऐसे पूछूं कि अगर आप बिहार में नीतीश कुमार का करेंगे जाके, या ममता बनर्जी का करेंगे जाके, या योगी आदित्यनाथ का करेंगे जाके, इनकम्बेंट सीएम अगर चुनाव में जाता तो कितने परसेंटेज अमूमन वोट आता है? तो अगर आप नीतीश कुमार की अगर हम आज ना बात करें लेकिन बाकी तीनों की बात करें तो वो 50% से ऊपर तकरीबन होता है, 48-52% उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग होती है, और नीतीश कुमार जब 2020 या 2015 के चुनाव में उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी 50% से ऊपर होती थी। सो ये मोर और लेस अनपॉपुलर भी नहीं है, लेकिन क्योंकि मॉडरेटली पॉपुलर माना जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ, आप पिछले 30 वर्षों का राजस्थान के चुनाव का इतिहास निकाल के खंगालिए, आपको पता चलेगा कि जब भी मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत जी चुनाव में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डूब जाती है। आप 2013 का चुनाव देखिए, 2008 का चुनाव, नहीं केवल हारना नहीं, देखिए हारे तो खतरनाक तरीके से, 2018 में भारतीय जनता पार्टी को फिर भी 75-76 सीट्स मिली, पर जब कांग्रेस हारती है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 2013 में जैसे 30 के नीचे चली जाती है, और उसका कारण यह है कि अपनी व्यक्तिगत छवि सुधारने में तो अशोक गहलोत जी या उसको प्रस्तुत करने में वो सफल रहते हैं, परंतु जो एंटी इनकम्बेंसी होता है उनके खिलाफ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी होता है, और आज भी उनके खिलाफ मैसिव एंटी इनकम्बेंसी ही है। रोहन आप बोलना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो अभी आपने सीएम फेसिस की बात की, तो अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो करीब 44% जो है टोटल
27+9+8 44% कांग्रेस के नेता सीएम बनने के चांस है और 35% भाजपा के। तो ये जो आंकड़ों की भी हम बात करें तो मालूम चलता है कि किस पार्टी के नेता ज्यादा फेमस है। दूसरी बात, अभी जो पहली जो आपने स्लाइड्स आपने महिलाओं की बात की उसमें ये कहा गया कि 37% महिला मानती है कि वो पहले से बेहतर सुरक्षित है, क्योंकि हम इस सर्वे पे बात करें उस आंकड़ों पे हम बात करें। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो मैंने शुरुआत में की थी जी, देखिए कांग्रेस और बीजेपी में बेसिक फर्क ये है कि हम जो स्थानिक नेता है हर राज्य में उनको एम्पावर करते हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ते हैं। आज ये भाजपा के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे, वसुंधरा राजे नाराज है, वो तो पूरे पूरे राज्य को पूरे देश को मार। गहलोत के बारे में बताइए ना, गहलोत को क्यों नहीं अनाउंस किया कि वो मुख्यमंत्री होंगे, वो तो सिटिंग सीएम है। देखिए बिल्कुल नहीं, इसीलिए नहीं किया क्योंकि पहले भी लास्ट टाइम भी हमने नहीं किया। आज आज मैं तो ये सवाल भाजपा को पूछूंगा अगर वसुंधरा जी के नाम। लेकिन लेकिन रोहन, अगर आप डिक्लेयर कर देते तो क्या पता जो 9% मिल रहा है सचिन पायलट का वो ऐड हो जाता इधर। नहीं देखिए ऐसे अरिथमेटिक नहीं, मॉडरेटली पॉपुलर टू पॉपुलर हो जाते। बिल्कुल ऐसे 1+1=2 होता तो आप वसुंधरा। अभी आप जोड़ रहे थे, आप जोड़ रहे थे, उसी जोड़ रहे थे, हमने जोड़ के गलत कर दिया। मुझे मुझे ऐसे अरिथमेटिक नहीं होता है। देखिए ये कांग्रेस पार्टी, मैं माफी चाह रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ। अगला अगला सेट ऑफ ग्राफिक्स दिखाना बहुत जरूरी है और वो मैं चाहता हूँ मारी आपसे शुरू करते हैं। या सबसे पहला सवाल है, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी 21% लोगों ने कहा, महंगाई 20%, गरीबी 15%, विकास 13%, भ्रष्टाचार 7% और अन्य 21% और पता नहीं लोगों ने भी कहा 3%। महंगाई के मुद्दे पर किसको वोट करेंगे? भाजपा 48%, कांग्रेस 42%। बेरोजगारी के मुद्दे पर किसको वोट करेंगे? इसमें यह बोल देना जरूरी है कि जो आंकड़ा 100% तक नहीं हो रहा है वो इसलिए कि कुछ लोगों ने या तो वोट नहीं किया या उन्होंने कुछ और राय जाहिर की थी या जवाब नहीं देना चाहा। हाँ, क्या है जरूरी चुनावी मुद्दा, ये बहुत अहम है। गौ रक्षा 76% है सुमित, आरक्षण रिजर्वेशन के मुद्दे पर 59% है और ERCP जो कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है वो 33% लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मानगढ़ धाम 23% लोगों के लिए। लाल डायरी जो कि बार बार भाजपा उठा रही है वो थोड़ा प्रायोरिटी में नीचे है बाकी जनता के लिए। शहजाद के पास जो डायरी वो भी लाल रंग की, हालांकि वो अपने लिए लेकर आए हैं या लाल डायरी दिखाने के लिए लेकर आए हैं, मैं आऊँगा उसके ऊपर। अगला लाभार्थी किसके साथ है? 500 रुपये में गैस योजना की जो बात है उसमें 39% भाजपा के साथ है, 44% कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं। अगला सवाल लाभार्थी के लिए कि 100 यूनिट मुफ्त बिजली किसके आप वोट करेंगे, तो बीजेपी के पास 43% लोग जाते हैं, 42% कांग्रेस के पास जाते हैं। कांग्रेस की योजना है लेकिन बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। एक और लाभार्थी वाला सवाल, 25 लाख की चिरंजीवी बीमा योजना गहलोत सरकार की है, बीजेपी को 41% वोट करेंगे, कांग्रेस को 43% वोट करेंगे। कंफ्यूजन है क्या जनता को, किसकी योजना है? और अगले आंकड़े पे आ जाते हैं, उज्ज्वला योजना को लेकर कि लाभार्थी किसके साथ है, बीजेपी के खाते में 46% पीएम आवास योजना 44% भाजपा के साथ, 39% कांग्रेस के साथ। जो केंद्र की योजना है उसका प्रचार प्रसार अच्छा हुआ है वो जनता को पता है बीजेपी की योजना है। अगला उज्ज्वला पे आ जाते हैं, उज्ज्वला में 46% भाजपा के साथ करता वोटर जाता है, 40% कांग्रेस के साथ जा रहा है। तो केंद्र की सीम जो स्कीम्स हैं उसमें बड़ा क्लैरिटी है कि किसको वोट करना है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की उसमें ऐसा नहीं दिखाई देता। आयुष्मान केंद्र सरकार की योजना है और इसमें 47% बीजेपी के साथ है, 35% कांग्रेस के साथ है। और आखिरी सर्वे का आखिरी सवाल जो था वो जाति जनगणना पर है जिसको लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। ये आंकड़े भी बेहद दिलचस्प हैं, 43% लोग कहते हैं कि हाँ राजस्थान में जाति का जनगणना होनी चाहिए, 25% ऐसा नहीं मानते हैं और पता नहीं कहने वाले 32% हैं। जाति जनगणना को राहुल गांधी ने इन दिनों बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है हमारे। और अगर जाति जनगणना पर क्योंकि लोगों ने कहा है 43% अविनाश कल्ला कि इस पे होना चाहिए, तो क्या ये पूरा डायरेक्शन चेंज कर सकता है या नहीं? ये डायरेक्शन चेंज कर सकता था। है नहीं, बिकॉज ये जब इलेक्शन के बहुत नजदीक आते आते मुख्यमंत्री ने मेरे ख्याल से आचार संहिता घोषणा होने से थोड़े ही समय पहले ये कहा था कि हम ऐसा एक सर्वे करवाना चाहेंगे। तो अगर ये मुद्दा था जिसपे कांग्रेस पार्टी बहुत सीरियसली एक स्टैंड लेना चाह रही थी तो उन्हें ये चीज 6 महीने पहले एटलीस्ट ये बोलनी चाहिए थी। उन्होंने इस मुद्दे को रेज करने में पिक करने में शायद थोड़ी देरी कर दी। अमिताभ तिवारी आपका क्या व्यू है
क्या कांग्रेस चूक गई? शायद उसी वक्त अनाउंस कर देते जब नीतीश कुमार ने पूरा रिपोर्ट रिलीज कर दिया, और वो तो फॉलो अप प्रोसेस था, इसीलिए अशोक गहलोत को लगा कि जो नीतीश कर सकते हैं बिहार में वो भी राजस्थान में कर सकते हैं। नहीं, कि पब्लिक है ये सब जानती है। अगर आप लास्ट डेज में कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस करेंगे तो पब्लिक ये सवाल पूछेगी कि आप 5 साल क्या कर रहे थे, सबसे बड़ा सवाल तो वही है। तो कास्ट सेंसस पे और ओबीसी पॉलिटिक्स पे कमिटमेंट जो है कांग्रेस पार्टी की वो नहीं दिख रही है। 50% ओबीसी है, जितनी आबादी उतना हक, क्या 50% ओबीसी को कांग्रेस पार्टी ने वहां टिकट दिया है? नहीं दिया है, करेक्ट। तो कमिटमेंट नहीं दिख रही है कांग्रेस पार्टी की, जो वो उनके वादे हैं उसके हिसाब से। अगर आप देखें तो 21% लोग कह रहे हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, 21% द हाईएस्ट आपके सर्वे में। 10% का गैप बीजेपी एंजॉय कर रही है युवाओं में, जो युवा है उसकी आबादी लगभग 2/3 है, 65% है। तो ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं ये तो दर्शा रहे हैं कि बीजेपी इन मुद्दों की वजह से, और महिलाओं में आपने दिखाया 6% की बढ़त है, वो भी क्यों? क्योंकि 500 रुपए सिलेंडर देने के बावजूद भी शायद वुमेन सुरक्षा जो मामला है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्विक कमेंट संजय जी का लेना चाहूंगा। संजय जी, ये आपसे जानना बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार ने जो स्कीम्स के अनाउंसमेंट किया, जो गारंटीज की बात करी कांग्रेस पार्टी, उसके लिए भी बीजेपी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है या ऑलमोस्ट बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसा क्यों है? सर्वे में ये क्यों दिखाई देता है? देखिए, केंद्र सरकार की जो स्कीम है वो बहुत सस्टेन्ड है, पुरानी है, और उसके लिए केंद्र सरकार ने पुरजोर तरीके से प्रचार किया। राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं वो सब नई स्कीम है, कोई 6 महीने पहले, कोई 8 महीने पहले, तकरीबन पिछले 1 साल में वो रोल्ड आउट हैं, और इन स्कीम को जनता तक पहुंचाने का प्रयास तो कर रही है पार्टी, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है। तो जनता के बीच में कंफ्यूजन है, ये किसका स्कीम है, ये केंद्र सरकार दे रही है या राज्य सरकार दे रही है? और केंद्र सरकार स्कीम चूंकि पुराने समय से चल रही है तो लोगों को लगता है उन्हीं की स्कीम होगी। राइट, रोहन, कंफ्यूजन है जनता के बीच में। मुझे नहीं लगता है कि, देखिए, पहली बात, क्योंकि इन्होंने पहले ही कह दिया था कि सैंपल साइज छोटा है तो हम ना करें, पर जिस प्रकार से आंकड़े अभी आ रहे हैं, 500 रुपए सिलेंडर की स्कीम कांग्रेस ने की है और उसका यह कहना है कि उसमें ज्यादा लोग, मुझे नहीं लगता है कि लॉजिकली ठीक है, पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है जितनी भी कांग्रेस की सरकार की योजना है उसका पूरा लाभ सरकार को मिलेगा क्योंकि हमने डिलीवर किए 87% जो वादे हमने पूरे किए हैं वो हमने डिलीवर किया, उसका जो फायदा है सीधा जनता को पहुंचा है, तो उसका तो लाभ हमको मिलना ही है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि सैंपल साइज छोटा है उसमें आंकड़ों की एक लास्ट कमेंट, क्विक कमेंट शहजाद का, दोनों सिलेंडर और SO यूनिट पे बताता हूँ। आपको पता है कि आज की तारीख में उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 600 में सिलेंडर मिलता है, मतलब 300 रुपए मोदी जी ही दे रहे हैं, और ये जो 100 रुपए काट के दे रहे हैं, इनसे पूछे कि यदि इतना ही कारगर था तो एक सिलेंडर मिलेगा महिलाओं को पूरे 5 वर्ष में, पहले तो नहीं की। और बाकी भाई कर्नाटका की महिलाओं का क्या दोष है, वहां पर भी 500 कर दो अगर करना है तो 300 रुपए मोदी जी दे रहे हैं। 100 यूनिट का भी मैं बता दूं, सबसे ज्यादा बिजली के दाम के दर जो है राजस्थान में है, राजस्थान में हाईएस्ट वैट है, राजस्थान में हाईएस्ट महंगाई दर रहा है, होलसेल हो या रिटेल प्राइस इंडेक्स हो, एग्जैक्टली 108 रुपए का लीटर है और गुजरात में बगल में 96 रुपए का लीटर है। तो महंगाई सबसे ज्यादा राजस्थान में रही है, और उसके साथ साथ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो हुआ है जिससे कि युवाओं को ठगा गया है, ये मेन मुद्दे हैं। थैंक यू शहजाद। एज द वुमन ऑन द पैनल, फाइनल वर्ड्स, लास्ट वर्ड आपके लिए नीरजा जी। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हमने दिखाया और क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है चुनाव किस तरफ जा रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग को पता चलेगा 3 तारीख को और 25 नवंबर को पोलिंग है और 3 तारीख को काउंटिंग होगी, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये बात मैं संजय जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि लाभार्थी तो दे इवन आउट, और अशोक गहलोत ने कई चीजें की हैं पिछले साल में, बट दे आर वेरी न्यू। उसका इम्पैक्ट हेल्थ स्कीम का, मेडिकल स्कीम का बहुत जबरदस्त है, और महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर का उन्होंने किया है, हालांकि जो मैं कह रहे माफी चाहता हूँ टेंडर की तरफ से, नीरज जी अगर आप मुझे सुन पा रही, क्योंकि आपकी आवाज में हमको प्रॉब्लम आ रही है, आपके लिंक में प्रॉब्लम है, माफ़ी चाहता हूँ, वक्त की कमी है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। आज राजस्थान का आपने पब्लिक ओपिनियन देखा, अब कल जब मिलेंगे हम आपसे तो बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, वो भी बहुत ही क्रूशल है। वहाँ बीजेपी की सरकार है और वहाँ कांग्रेस पार्टी
अपोजिशन में मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी अपोजिशन में, बहुत ही गजब सी खिचड़ी बनने वाली है। और ये सेमीफाइनल है फाइनल 2024 में है, लेकिन क्योंकि सेमीफाइनल अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अहम होता है, क्योंकि अभी इंडिया का भी मैच चल रहा है सुमित। हम और सुमित कल फिर से आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।